आपके बिजनेस एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट करना और उसके यूज़र को अडेप्ट करवाना। तो पाकिस्तान में वैसे कहा जाता है, मैंने जितने भी कुछ स्पेशली बिजनेस लीडर से बात की, मैंने कहा यार आप लोग इतना इजीली बिजनेस एप्लीकेशंस का अडॉप्ट क्यों नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि हम लोग तो तैयार होते हैं, बट हमारे जो एंड यूज़र्स होते हैं वहाँ पर बहुत बड़ा इशू आता है। तो बावजूद इसके देर आर सो मैनी सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स इन द लोकल मार्केट। सो टुडे वी हैव फ्यू ऑफ देम ओवर हियर। सो उसकी एक पैनल डिस्कशन है, तो फॉर टू रन दैट पैनल डिस्कशन आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर तलहा मशकूर। ही इज़ करंटली वर्किंग एट सिस्टम लिमिटेड एज अ वाइस प्रेजिडेंट फॉर CRM। सो सर स्टेज इज़ फॉर यू। आई गेस क्लैपिंग होनी चाहिए, थोड़ा एनर्जाइज हो जाएं और इसके बाद एक ही कॉन्वर्जेशन होगी फिर डिनर की तरफ जाएंगे, तो आई गेस मोटिवेट हो गए होंगे आप लोग। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आई ट्राई टू इनवाइट माय पैनलिस्ट मिस्टर साकिब शहजाद फ्रॉम KFC पाकिस्तान। देन आई लाइक टू इनवाइट मिस्टर राहत अली from Dolmen Group. And Mr. Shehzad Yunus from Khadi, please have a seat. How are you? Please have a seat. All right, so we'll start. So the purpose of this session is to share our customers' experience who have adopted business applications as their premier platform, and they are on a digital journey. So to start the discussion, I'll first would like to have some brief introduction. Let's start with Mr. Shehzad Yunus. A brief introduction about yourself, please. Assalamu alaikum everyone. First of all, thank you so much for inviting here as a customer and representing Khadi. So my name is Shehzad and I have been working since last 18 years as a technology specialist in different industries like retail, textile, FMCGs and consulting. So since last 5 years I am working in Khadi as a head of IT solution and services. And I hope that most of people know about the Khadi. Khadi is a leading retail and fashion brand. It has more than 60 outlets all over the world. So that's it from my side. Thank you very much. So Mr. Saqib Shahzad. Assalamu alaikum. First of all, thank you very much to give me the opportunity to address to such a valuable audience and representing KFC Pakistan. As you have informed everyone, my name is Saqib Shahzad. IT industry mein 17-18 saal ho gaye hain aur KFC mein around 14 saal ho gaye hain. Different IT functions ko lead karte hue aur is waqt technically application development and infrastructure and general IT operations technically main lead kar raha hu KFC Pakistan ko. और डिफरेंट टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशंस, डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ टेक्नोलॉजी इस दौरान हुई हैं KFC में भी और KFC से पहले भी। तो और अब ड्यूरिंग लास्ट 4-5 ईयर्स माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स 365 के प्लेटफॉर्म के ऊपर डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशंस हैं जो चल रही हैं और डाउन द रोड भी इंशाल्लाह प्लान है। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ऑलराइट, थैंक यू। राहत साहब प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। राहत मेरा नाम है जैसे, और मैं बेसिकली डॉलमेन ग्रुप में हूँ, मैनेजर एप्लीकेशन हूँ, और तकरीबन 7 से 8 साल मुझे वहाँ पे हो चुके हैं डायनामिक्स एक्स में। और जैसा कि सब जानते हैं मोस्टली लोग कि मैं मैजिक से ही बिलोंग करता था और इसको बहुत ज़्यादा ऑनर समझता हूँ। और जहाँ भी मैं इंटरव्यू देने आता हूँ, जिससे भी मिलता हूँ, जब मैं बात करता हूँ मैजिक की, तो मुझे एक फील ऑनर महसूस होता है। तो थैंक यू मैजिक फर्स्ट ऑफ ऑल। और उसके बाद ये है कि फिर मैं डॉलमेन ग्रुप में हूँ एज ए मैनेजर एप्लीकेशन, जहाँ 7 से 8 साल हम लोगों ने डिफरेंट पार्टनर से भी इम्प्लीमेंटेशन की है और ख़ुद भी हम लोगों ने, और मैं एज ए टेक्नो फंक्शनल वहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। ऑलराइट, थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शंस। सो मैं डिस्कशन स्टार्ट करूँगा मिस्टर शहजाद से।
जो बल्कि मिस्टर साकिब शहजाद से आई काइंड ऑफ स्टार्ट द कन्वर्सेशन. तो साकिब साहब, आपका रिसेंटली यू हैव इम्प्लीमेंटेड डायनेमिक्स ई कॉमर्स, तो वुड यू लाइक टू शेयर योर एक्सपीरियंस? यू आर द फर्स्ट पार्टनर इन पाकिस्तान दैट इज इम्प्लीमेंटेड डायनेमिक्स ई कॉमर्स एज अ प्लेटफॉर्म. So would you like to share your experience, how, what was the vision behind the implementation and how successful the implementation has been so far? Yes, in fact, Microsoft Commerce platform, retail platform karne se pehle bhi ek pura roadmap tha kuch saal pehle hamara ki hame technology ko enhance karna hai. Jo particular retail sector mein QSR yani quick service restaurant industry mein जो टेक्नोलॉजी के रिक्वायरमेंट हैं और जो अडैप्टेबिलिटी है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रही है उसको हम पाकिस्तान में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें जो कैपेसिटी और स्केलेबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी को देखते हुए इवेलुएट करने शुरू किए हमने सॉल्यूशंस को और एक पूरा रोड मैप बनाया क्योंकि हमें फ्रॉम द वेरी बेसिक फाउंडेशन इसको लेके चलना था. तो हमने स्टार्ट किया माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स 365 फाइनेंस एंड ऑपरेशन से. हमने अपना बैकएंड पहले स्ट्रॉन्ग किया और उसको इम्प्लीमेंट किया और डेफिनेटली उसके बाद डाउन द रोड हमारा नेक्स्ट प्लान हमारा फ्रंट एंड था जो कि कॉमर्स प्लेटफॉर्म था वो किया. और KFC सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड ग्लोबली KFC पाकिस्तान वो पहला KFC है पूरी KFC मार्केट में जिसने माइक्रोसॉफ्ट प्योर माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर रिटेल कॉमर्स को इम्प्लीमेंट किया. दिस इज रियली अ बिग अचीवमेंट आई बिलीव. माइक्रोसॉफ्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वॉज काइंड ऑफ अ वल्नरेबल प्लेटफॉर्म इन द पास्ट ईयर एंड इम्प्लीमेंटिंग दैट इन द लोकल मार्केट इज सच अ बिग अचीवमेंट. सो इट हैज़ बीन क्वाइट अ बिट ऑफ अ चैलेंज इन द ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस वेयर वी हैव यूज्ड टू इम्प्लीमेंट ई कॉमर्स विद ऑल द प्रोसेसेस. But having implemented that in local market is such a big achievement. So yes. Congratulations on that. Thank you very much. इसमें definitely जैसे आपने कहा challenge थे बहुत ज़्यादा challenge थे हमारे global partner की तरफ से recommendations कुछ और solutions की थी principal की तरफ से कुछ और solutions थी और सबका एक कहना था कि किसी भी KFC market में globally ये नहीं चल रहा. तो ये डेफिनेटली एक पॉइंट था. हमने भी अपने तौर पे काफ़ी रिसर्च की माइक्रोसॉफ्ट से भी कांटेक्ट किया कि आप कुछ एविडेंस कुछ कोई प्रूफ कि भाई कहीं चल रहा हो कोई चीज़ हो ऐसी जिसको हम यहाँ कर सकें क्योंकि जिस वक्त हम अपना पूरा प्लेटफॉर्म सेट कर रहे थे टेक्नोलॉजी रोड मैप सेट कर रहे थे तो हमने ये प्लान किया था कि हम एक ऐसा वन स्टॉप सोल्यूशन लें जिसमें हमारी इंडस्ट्री में फ्रंट एंड बैक एंड कस्टमर सर्विस कॉल सेंटर एवरीथिंग एक प्लेटफॉर्म के ऊपर हम मेंटेन कर रहे हों जिसमें हम थर्ड पार्टी इंटीग्रेशंस को अवॉइड कर रहे हों हमें मैक्सिमम कैपेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एक प्लेटफॉर्म पे मिल रही हो जिससे बेहतर विजिबिलिटी आ सके डिसीजन मेकिंग्स बेहतर हो सके. तो जब हम रिटेल पे आए तो फिर डिफरेंट माइंडसेट का चैलेंज आया. मैनेजमेंट की तरफ से भी रिलक्टेंट थे कि यार हम क्या कर सकेंगे कैसे कर सकेंगे और चैलेंज था. लेकिन मैं और मेरी सारी टीम IT की इनफैक्ट जो जिनको मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ मेरी मैनेजमेंट सारी वो इस पे पैशनेट थे कि यार हम हमने उनसे कहा बीइंग एन IT कि ये मौका है कि KFC पाकिस्तान इनफैक्ट फ्रॉम पाकिस्तान हम लीड करें हम ट्रेंड सेट करें कि एक ऐसी चीज़ जो किसी जगह ग्लोबली KFC में या रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में किसी मल्टीनेशनल चेन में किसी ने अडॉप्ट नहीं किए हम उसे अडॉप्ट करें इंस्टेड ऑफ एवरी टाइम वी वांट टू फॉलो समथिंग राइट हम सेट ट्रेंड हम ट्रेंड सेट करें हम उस एग्जांपल सेट करें और उसके बाद लोग उसको फॉलो करें. अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह ताला ने मदद की और ये चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह इम्प्लीमेंट हुई. हमने इसके अंदर ओवर माइक्रोसॉफ्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हमने किचन डिस्प्ले सिस्टम जिसको KDS हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं वो नहीं था उसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस ग्लोबली रेज हो रहे थे कि कैसे करोगे हमने वो डेवलप कराया उसके ऊपर सक्सेसफुली अल्हम्दुलिल्लाह उसे चला रहे हैं हम लोग. और इस वक्त सिचुएशन अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मैं नाम अभी फ़िलहाल नहीं लूँगा लेकिन ग्लोबली बड़ी मल्टीनेशनल चेन जो हैं वो ये कह रही हैं कि यार ये कैसे किया क्या चैलेंजेस आए सक्सेस स्टोरी कैसे बनी और वो इस वक्त तैयार हैं और वो अपना ग्राउंड वर्क कर रहे हैं कि अब वो भी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर. सो ग्रेट अचीवमेंट माशाल्लाह. सो मिस्टर शहजाद, आप खाड़ी की वी हैव सीन वेरी अग्रेसिव इम्प्लीमेंटेशन पास कपल ऑफ इयर्स अगो. प्लीज एक्सप्लेन हाउ डिड इट गो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस. सो Khadi success story was published on Microsoft website. So the reason for publishing on Microsoft website was it was completed in 4 months. So it was a huge retail implementation with different modules like merchandise planning to inventory management and
retail experience. So we implemented all the modules in just 4 months, including the e-commerce platform. So that was a great success, it also added a lot of value to our business. After that implementation, we also implemented multiple modules in Dynamics 365, like AI-based demand forecasting and inventory allocation, which is also not implemented in this region, at least. We have implemented the manufacturing module. We have implemented the Omni solution, which is also not implemented in the region when we were the first one a couple of years ago. So in COVID, we decided to go on Microsoft Omnichannel solution, and we successfully implement that solution as well. So that's all value additions we are providing to the business. And तो शिजा साहब, आपका खाड़ी का, जैसे मुझे पता है, बड़ा कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी स्टैक है. वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट यस इज़ अ बेस फाइनेंशियल एप्लीकेशन जो कि रन हो रही है. सराउंडिंग इकोसिस्टम कैसे हैं और उनके साथ आपकी इंटीग्रेशन जो है वो कैसे काम कर रही है विद माइक्रोसॉफ्ट बिजनेस एप्लीकेशन एज अ बेस प्लेटफॉर्म? अच्छा, वी हैव मल्टीपल partners and platforms, like we are using different e-commerce platform and which is integrated with Microsoft. We are using different other logistic partners and last mile partners which are also integrated with our Dynamics 365. और उसके अलावा एफ बी आर के पोर्टल के साथ भी हमने इंटीग्रेशंस की हुई हैं. तो इस तरह बहुत सारे पार्टनर्स हैं ई कॉमर्स के जिनके साथ हमारी इंटीग्रेशन हुई भी हैं ऑन वेबसाइट लेवल और एप्लीकेशन लेवल पे भी. तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट सीमलेस इंटीग्रेशन फ्रेमवर्क प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट, के आप उसको किसी भी मोबाइल ऐप से भी कनेक्ट कर सकते हैं. आप उसको किसी भी किस्म के इंटीग्रेशन उसमें पॉसिबल हैं. ऑलराइट, ओके, थैंक यू. सो लेट्स मूव टू राहत. राहत, डॉलमेन ग्रुप में अभी करंट इम्प्लीमेंटेशन इज डायनेमिक्स 2012, राइट? And you are moving towards cloud, or plan, you have planned toward to move to cloud. What are the risks and challenges do you see in implementation? Aapka, what are the areas that you see where you may find some hurdles? इसमें basically हमारी जो management की अभी जो discussion हुई थी, उसमें हमारा basic concern था data security का. असल में basically हमारे पास क्या होता है कि जितनी भी shops हैं, उनका हमारे पास sales आती है. उस सेल्स के बेसिस पे हम लोग कुछ परसेंट चार्ज करते हैं. वो सर्टन क्राइटेरिया पे होता है. तो अब वो लीक होने का मतलब ये है कि उसमें हमारे कंसर्न में लिखा होता है कॉन्ट्रैक्ट में कि हमें वो सू कर सकते हैं, जो भी चीज़ें हैं. तो ये बेसिक कंसर्न हमारा, बहुत बड़ा कंसर्न हमारे मैनेजमेंट का ये था. तो फिर हमने सोचा कि यार हम लोग ऑन प्रेम की तरफ चले जाएँ. तो उसमें हमारे पार्टनर्स से बात हुई, बहुत सारे पार्टनर्स से. उसमें ये था कि भाई आप लोग जो हैं, उसमें माइक्रोसॉफ्ट के सपोर्ट्स के इशू हैं, और किसी मेरा ख्याल जो मैंने बात की, किसी का एक्सपीरियंस नहीं है कि उन्होंने ऑन प्रेम किया हो. तो उसमें बेसिकली हमें चैलेंजेस भी फेस हो रहे हैं. तो इस पर हम वर्किंग भी कर रहे हैं, और कुछ पार्टनर्स हैं वो आने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो भी रिस्क फैक्टर है हमारे लिए कि उनकी भी फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन है. तो ये थोड़ा सा है. बाकी जब उस पर जाएंगे तो फिर पता चलेगा कि मजीद क्या चीज़ें फेस करते हैं. थैंक यू. साकिब साहब, व्हाट वुड यू विद योर इम्प्लीमेंटेशन, आपको टैलेंट का, डू यू फील लाइक कि देर इज स्कार्सिटी ऑफ टैलेंट, या टैलेंट की आपको कमी महसूस हुई व्हाइल यू वर डूइंग योर इम्प्लीमेंटेशन? देखिए, टैलेंट की कमी तो महसूस नहीं हुई, और इनफैक्ट चैलेंजेस अपनी जगह थे, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों ही. चेंज मैनेजमेंट, एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट स्टिल एक चैलेंज होता है. और लेकिन नहीं, टैलेंट का मुझे कोई प्रॉब्लम हमें नहीं फेस हुआ इस तरह से. लेकिन ये कि हाँ, बाज़ दफ़ा कैपेबिलिटी, सिस्टम कैपेबिलिटीज़ विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलरली रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, एक ये थोड़ा सा गैप जो है वो फील होता है कि माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म में रिटेल स्पेसिफिक बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन रिटेल में क्विक सर्विस रेस्टोरेंट स्पेसिफिक, इसके अंदर अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक बड़ा रूम मौजूद है. हमें उसके ऊपर कस्टमाइजेशंस करानी पड़ी, और वो हुई अल्हम्दुलिल्लाह. टैलेंट था तो ज़रूर, टैलेंट था तो वो कस्टमाइजेशंस भी हुए, और कस्टमाइजेशंस को ड्राइव भी किया, एनालिसिस भी किया, और उसको अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली रन कर रहे हैं. तो टैलेंट की तो इनफैक्ट कोई कमी नहीं. और माइक्रोसॉफ्ट सोल्यूशन अडॉप्ट करने का एक बड़ा पैरामीटर ये भी था कि जितने भी हमारे टॉप ऑफ द लाइन सोल्यूशंस हैं, उनमें माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जिसकी सपोर्ट, जिसका टैलेंट वाइडली
और लेंथ में हु अवेलेबल है पाकिस्तान में. ओके इट्स गुड थैंक यू मिस्टर शहजाद. आप खाड़ी पे आप व्हाट इज़ योर फ्यूचर रोड मैप, आप खाड़ी पे टेक्नोलॉजी स्टैक को अगले 5 सालों में कहाँ पर देखते हैं, आपका क्या प्लान है अडॉप्शन का विद माइक्रोसॉफ्ट बिजनेस एप्लीकेशंस? देखें माइक्रोसॉफ्ट पावर प्लेटफॉर्म्स में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं. अभी हम माइक्रोसॉफ्ट पावर एप्स के ऊपर बहुत सारी एप्लीकेशंस डेवलप कर चुके हैं इन हाउस. और जैसे साकिब ने भी कहा कि अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी की, तो हमें कोई ऐसे स्पेशलिस्ट डेवलपर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है. इनफैक्ट हमारे एक इंफ्रास्ट्रक्चर के बंदे ने ही पावर ऐप्स में एक बहुत अच्छी ऐप कोविड के ज़माने में बनाई थी ओमनी सॉल्यूशन के लिए. तो वो एक बहुत अच्छी अचीवमेंट थी, क्योंकि एक डेवलपर लेवल का बंदा नहीं है और इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल के बंदे ने एक पावर ऐप्स के ऊपर एप्लीकेशन डेवलप की. तो पावर प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं. हम पावर ऑटोमेट पे भी काम कर रहे हैं, आरपीएस पे भी काम कर रहे हैं. बहुत सारी ऐसी डेटा एंट्रीज हैं जो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको हम आरपीएस के थ्रू जनरेट करवाएं. और उसके अलावा कुछ ऐसी मर्चेंडाइज प्लानिंग में कुछ इस तरह की फंक्शनलिटीज़ हम डेवलप करना चाह रहे हैं, जो कि हम इन हाउस कोशिश कर रहे हैं कि उनको डेवलप करें. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो रोडमैप में हैं. कस्टमर एक्सपीरियंस एप्लीकेशन के ऊपर हम काम कर रहे हैं. उसके अलावा एडवांस वेयर हाउस मैनेजमेंट के ऊपर चीज़ें चल रही हैं. तो बहुत सारी चीज़ें रोडमैप में हैं जो आगे हमें ऑन टॉप ऑफ डायनेमिक्स 365 इम्प्लीमेंट करनी है. ऑलराइट, सो सीम्स लाइक आवर पैनल डिस्कशन टाइम इज काइंड ऑफ कम टू एन एंड. सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनसाइट्स ऑन टू योर ऑर्गेनाइजेशन.